الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام قراء کرام اور میرے سامنے تشریف فرما معززین علاقہ بزرگان دین آج کا یہ پروگرام خلیفہ بلا فصل شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں مدنی آقا نے فرمایا تھا کہ نبی کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد اگر کسی شخصیت کا مقام اور مرتبہ ہے، اگر کسی شخصیت کی شان ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی۔
सब जोर से कहते हैं रजी अल्लाह ताला। और कल 22 जमादिउस्सानी वफात सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अजीजान मोहतरम, एक है नबुव्वत, दूसरी है रिसालत, तीसरी चीज है सदाकत, चौथी चीज है शहादत। अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले जो मकाम व मर्तबा रखा वो नबुव्वत का रखा। फिर फरमाया वमन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की ऐसे जैसे उसने अल्लाह की इताअत की। फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु, भाई ये तवज्जो फरमा लें साथी, जो बच्चे बैठे हैं ना सिर्फ थोड़ी देर की तवज्जो फरमा लें इनको बच्चों को, चूँकि जब कुरान शरीफ की तिलावत हो तो बात करना अल्लाह की तरफ से मना है। फरमाए वईज़ा कुरियल कुरआन, जब कुरान या कुरान की बात की जाए, फस्तमिउ लहू व अनसितु, एक तो खामोश भी रहो और सुनो भी सही। सिर्फ सुनना नहीं, सुनना भी है और खामोश भी रहना है। हजरत आ गए, मैं शख्सियत का मुझे और आपको इंतज़ार था, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। बहरहाल कुरान शरीफ की जो आयत आपके सामने पड़ी, इस आयत शरीफा में रब कायनात चार मनसब और मरतब, उलाइकल्लज़ीन अनअमल्लाह अलैहिम मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, चार मरातिब बयान करके कायनात को बता दिया कि नबुव्वत के बाद, नबी के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो सदाकत का है और सिद्दीक का है। उलाइकल्लज़ीन अनअमल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं यही तो वो लोग हैं जिन पर खुदा ने इनाम किया, मिनन नबीयीन, पहली जमात अंबिया की, वस्सिद्दीकीन फिर सिद्दीकीन की, वश्शुहदा तीसरी शुहदा, और वस्सालिहीन चौथी सुलहा की। अगर आज इस दौर में कोई शख्स खड़ा हो जाए कि मैं सिद्दीक की सदाकत को नहीं मानता, उमर की अदालत नहीं मानता, उस्मान की हया नहीं मानता, अली की शुजात नहीं मानता, मुआविया की सियासत नहीं मानता, तो इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। फिक्र की बोलो कोई बात, क्योंकि आका मदनी ने पहले ही फरमाया था अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। जो नहीं मानेगा वो आसमान में थूकने के मुतरादिफ है, और जो आसमान में थूकता है, थूक आसमान को लगती है, उसके मुंह को लगती है। बोलो यार कहाँ लगती है? तो मदनी आका ने पहले फरमाया था अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। इसलिए जो मानता है तो वो कुरान की मानेगा और वो मुसलमान होगा। क्या होगा? और जो नहीं मानता, वो किसी वली का इनकार नहीं कर रहा, वो तो कुरान का मुनकिर है, वो नस कतई का मुनकिर है, वो अहादीस मुतवातिरा का मुनकिर है। और कुरान का मुनकिर मुसलमान है या काफिर है? कुरान का मुनकिर मुसलमान है या काफिर है? नमाज का मुनकिर मुसलमान है या काफिर है? क्यों?
नमाज का सबूत कुरान से है। वो अकीमुस्सला, नमाज को कायम करो। सिद्दीक की सहाबियत का सबूत भी कुरान से, कुरान कहता है वसाहिब हुमा फिल गार। तो जैसे कुरान का मुनकिर, नमाज का मुनकिर, जक़ात का मुनकिर, हज का मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज है, ऐसे ही सिद्दीक की सहाबियत का मुनकिर भी दूर से दायरा इस्लाम से। ये मैं कहता हूँ, कुरान कह रहे हैं। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। लेकिन हमने क्या करना है? अगर मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे, तो हमें ज़रूरत क्या है इन प्रोग्रामात के इनेकाद की? कल इतनी बड़ी रैली की, जगह जगह वाह सहाबा वाह के नारों की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत है कि कल हशर का मैदान होगा, मदनी आका की अदालत होगी, सिद्दीक वहाँ मौजूद होगा। जब मैं और आप सफारिश के लिए जाएंगे, या रसूल अल्लाह आपकी शफात और सफारिश की ज़रूरत है, जन्नत जाना चाहते हैं, तो उस वक़्त सिद्दीक अकबर भी वहाँ मौजूद होंगे और फरमाएंगे, या रसूल अल्लाह बिल्कुल इनकी शफात फरमा दें। ये वो लोग हैं जब इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में मेरे ऊपर तबर्राबाजी उंगलियां उठाई जाती थी, ये लोग जान हथेली पर रखकर सिद्दीक की सदाकत का दिफा करते थे। वाखरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह।